The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आप अपने हेयर लॉस या हेयर के लिए थोड़े भी चिंतित हैं, परेशान हैं, कंसर्न्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक का डिस्कशन आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हेयर साइकिल या हेयर ग्रोथ कैसे होती है नहीं जानोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। सी, हेयर जो आपके स्काल्प में बनते हैं, ये ग्रोथ इसकी जो रेट है 0.3 से 0.4 मिलीमीटर पर डे ग्रोथ है। इतना कम मिलीमीटर इतना सा होता है, उसमें से भी 0.3 0.4 कतई आपको समझ में नहीं आने वाला है बड़ा कि नहीं बड़ा एक दिन में। सो एक साल में 6 इंच ग्रो होगा, बस 6 इंच एक साल में, वो भी अगर आपके पास सही न्यूट्रिशन है, सही केयर है तो, टूटे नहीं तो। सो दूसरे मैमल्स, दूसरे जानवरों के मुकाबले ह्यूमन हेयर ग्रोथ और शेडिंग काफ़ी रैंडम होती है, कोई सीजन हिसाब नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कि इस सीज़न में हेयर जाएंगे, जैसे कुत्ते के बाल झड़ने का सीज़न होता है डॉगी के, वैसे हमारा कोई सीज़न नहीं होता, हमारे वैसे ही झड़ जाते हैं जय माता दी बोल के, चलो मैं जा रहा हूँ, रोज के 100 बाल तक झड़ सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, राइट? ठीक है, एट एनी गिवन टाइम नंबर ऑफ हेयर जो हमने बताया वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है हेयर के जो साइकिल है। नंबर 1 स्टेज इज योर बेसिकली शेडिंग का स्टेज, मान लीजिए शेडिंग के, कि कुछ हेयर इस स्टेज में होंगे, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज जो हेयर शेडिंग के स्टेजेस है वो है एनाजेन। एनाजेन मतलब एक्टिव फेज ऑफ हेयर। एक्टिव फेज का मतलब है कि द सेल्स इन द रूट ऑफ द हेयर आर डिवाइडिंग वेरी रैपिडली, यानी जो बल्ब है हमने बताया वहां पे डिवीजन जो है घपा घप हो रहा है। हमने बताया था 24 से 72 घंटे में, तो वहां मान लो 24 घंटे में डिवीजन हो रहा है, घपा घप डिवीजन हो, 72 में नहीं हो रहा, इट्स फास्टर, राइट? सो दैट इज एन एनाजेन फेज रैपिड डिवीजन। और मतलब के नया हेयर बन रहा है और जो पुराना बचा उसको ऊपर पुश करते जा रहा है, चलो बेटा बाहर जाओ, काम खत्म, लाइक दैट। सो दैट इज वन थिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हेयर वहां नीचे है वो एनाजेन फेज में जो घपा घप ग्रो हो रहा है, द हेयर दैट हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग राइट इज नो लॉन्गर इन द एनाजेन फेज, तो वो ऊपर पुश हो जाता है राइट और वो फॉलिकल से ऊपर इवेंचुअली बाहर निकल के बाहर है। तो जो बाहर है वो एनाजेन में नहीं है, जो अंदर है वो एनाजेन है राइट, एनाजेन फेज राइट। और ये फेज में हेयर 1 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है 28 दिन में 1 सेंटीमीटर। और इसीलिए अगर उसके बाहर की ग्रोथ बंद होगी तो कई बार इन ग्रोइंग हेयर बन जाता है, क्योंकि वहीं ग्रोथ ज्यादा होती जाती है। सो देयर इज अ थिंग ऑफ इन ग्रोन हेयर्स बिकॉज ऑफ दिस राइट। सो देट इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और 28 दिन में 1 सेंटीमीटर ग्रोथ इज गुड। देन स्काल्प हेयर जो है एक्टिव फेज में, यानी एनाजेन फेज में, ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 साल तक रह सकते हैं। मतलब कुछ हेयर फास्ट ग्रो होंगे 2 से 6 साल में, आपके जब आपका प्यूबर्टी का टाइम है, जब आपका ग्रोथ चल रही है वहां टाइम पे, उसके बाद 6 साल के बाद एनाजेन फेज खत्म कुछ चीजों में राइट। सो ऐसे में क्या होगा, एनाजेन फेज खत्म उस सहाय हेयर के लिए, तो इसीलिए कुछ लोगों के बाल 1 लेंथ से ऊपर नहीं ग्रो होते, है ना? ऐसा तो नहीं है कि सारे रुपुंजल बन जाएंगे, भाई मैंने तो ग्रो करने शुरू, मेरे तो बाल खत्म ही नहीं हो रहे 2 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं? सो इसीलिए कई लोगों के हेयर जो है 1 लेंथ के बाद ग्रो नहीं होते, बिकॉज उनकी जो एक्टिव फेज है ग्रोथ की वो शॉर्ट है। वो मतलब हमने बताया 2 से 6 साल, मे बी उनकी 2 साल होगी, 2 साल के बाद उनकी एक्टिव फेज खत्म। तो एक्टिव फेज जो खत्म हो गया तो उतनी जितनी ग्रोथ है उतनी ग्रोथ है राइट। तो 3 साल 6 साल तो ग्रोथ ज्यादा। सो दैट इज इट। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जिनके बहुत लॉन्ग हेयर हैं, उनकी लॉन्ग एनाजेन फेज एक्टिव फेज लॉन्ग होती है, वेरी सिंपल। और यहां तक के जो बाल आपके आर्मपिट्स में है, हाथों में है, लेग्स में है, आईलैशेस में, आईब्रोज में है, उनकी क्यों वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिव फेज है ग्रोथ की वो बहुत छोटी है। वो फेज आपकी सालों में नहीं है, वो 30 दिन की है मात्र, 30 डेज, 1 महीने 45 दिन, खत्म। दैट्स वाई दे आर सो मच शॉर्टर एज कम्पेयर टू योर हेयर। तो टेलोजन एनाजेन फेज शॉर्ट है, मतलब हेयर की लेंथ शॉर्ट है, बहुत सिंपल। तो ये पहला स्टेज हुआ एनाजेन। सेकेंड स्टेज इज कैटाजन। कैटाजन क्या है? कैटाजन फेज एक ट्रेडिशनल फेज है जिसमें के
मतलब सॉरी ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशन मतलब एनाजन से दूसरे फेज के बीच का ट्रांजिशन, अब बदलाव आ रहा है हेयर में, और पूरे एक टाइम पे 3% हेयर जो होते हैं, 3% हेयर इस स्टेज में, इस फेज में होते हैं। और ये फेज 2 से 3 हफ्ते तक दो से तीन हफ्ते तक करता होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाती है, और जो आउटर रूट होता है, जो शीथ होती है उसकी, वो श्रिंक होती है और रूट अटैच हो जाती है हेयर से, और इससे जो एक तरीके से क्लब फॉर्मेशन हो जाता है हेयर के साथ में। तो इस बेसिकली आप समझ लीजिए एक फेज से दूसरे फेज में जाने वाला स्टेज है कैटाजन। कैटाजन में रूट ग्रो है। उसके बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेज है टीलोजन। टीलोजन यानी रेस्टिंग फेज। अब जो है हेयर जो है वो उतने से ज्यादा ग्रो नहीं होगा। रेस्टिंग फेज यूजली 6 से 8% सारे हेयर इस स्टेज में होते हैं। ये पूरे 100 दिन तक रहता है, और हेयर स्काल्प के ज्यादा देर रह लेते हैं, और बाकी इधर वाले जो छोटे छोटे हेयर है उनके लिए लंबा रहता है। स्काल्प के हेयर के लिए 100 दिन तक रहता है, और आई लैश, आई आर्म, हाथ पैरों के लिए वो लंबा रहता है काफी ज्यादा। ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, जो फॉलिकल है कंप्लीट अरेस्ट में चला जाता है। अब ग्रो नहीं हो रहा, वो हेयर आपका ग्रो नहीं हो रहा है 100 दिन तक। तो उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज फॉलिकल कंप्लीट रेस्ट में है, और क्लब हेयर जो है वो पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। मतलब एक हेयर बन चुका है, वो क्लब हो गया, वो खत्म, वो ग्रो नहीं होगा, वो ऐसे ही फिक्स रहेगा। जब तक उसको मेंटेन करोगे मेंटेन करोगे, जब वो उसके बाद क्या होता है, वो हेयर पुल आउट हो जाता है। राइट, पुल आउट अगर इस समय करोगे, इस समय पुल आउट करोगे, मान लो अगर आपने इस समय खींच लिया हेयर को, तो सॉलिड हार्ड ड्राई व्हाइट मटेरियल मिलेगा रूट पे। कई बार होता है ना व्हाइट व्हाइट सा, ये क्या है यार, वो आया आपका टीलोजन फेज में। सॉलिड ड्राई व्हाइट कलर का मटेरियल रूट में मिलेगा। इसमें हर रोज 25 से 100 हेयर टीलोजन हेयर रोज के गिरते हैं आपके, बिना किसी कंघी के, बिना किसी काम के, रोज अपने आप गिरते हैं, शेड होते हैं टीलोजन फेज में। और उसके बाद उन हेयर फॉलिकल्स में वापस शुरू होता है एनाजन फेज। जी हाँ, सो एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, फटे बाहर निकल गया। सो ऐसे ही साइकिल चलती है आपकी हेयर की, एनाजन, कैटाजन, टीनोजन, खटैक। सो ये बहुत सिंपल सी आपके हेयर की साइकिल है, और इन सारी चीजों को बेसिकली प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को। प्रोटीन चाहिए, बायोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए हेयर के, और ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, पानी चाहिए, हेयर केयर चाहिए, स्किन केयर चाहिए। अगर ये सब नहीं मिलेगी तो फिर आप भाई साहब आप हो जाएंगे बाला, ओ बाला, ओ बाला, बिल्कुल सिंपल। सो दैट इज द थिंग गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर साइकिल, हेयर ग्रोथ, राइट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जरूर अपने कोई भी क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न दे सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।